गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बीच में जो अंतर है, वो उनके शासन का अंतर किस प्रकार से है, उसके बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली पर दो बार हमले हुए, ये अलाउद्दीन खिलजी की बात है। दिल्ली पर दो बार हमले हुए 1299 और 1300 में और 1302 में और 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की, अर्थात दिल्ली को बचाने के लिए उसने एक स्थायी सेना रखी और विशाल सेना रखी ताकि वो दुश्मन से सामना कर सके। वही बात हम अगर मोहम्मद तुगलक की करते हैं तो मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, अर्थात इसने जैसे अपना साम्राज्य स्थापित किया इस पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली, एक स्थायी सेना तैयार कर उसका आक्रमक कदम था। अर्थात इसका मतलब यह है कि अलाउद्दीन खिलजी की तरह जो मोहम्मद तुगलक था वो भी सेना प्रिय था, अर्थात सेना को ज़्यादा महत्व देता था, सेना को बढ़ावा देता था, इसलिए उसने सेना मजबूत बनाई। पहला अंतर तो यह है। दूसरा अंतर देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सिरी नामक एक नया गैरिसन शहर बसाया। इसने कुस्के सिरी नामक किला भी बनवाया था। तो अपने सैनिकों के लिए क्या किया, इसने एक शहर ही बसा दिया। और जो मोहम्मद तुगलक है उसने भी क्या किया है कि एक तरीके से नए गैरिसन शहर इसने भी बनाए, लेकिन इसने क्या किया कि जो गैरिसन शहर थे वो बनाने के स्थान पर दिल्ली के चार शहरों में से सबसे पुराने शहर देहली एक कुहना को निवासियों से खाली करवाकर वहाँ सैनिक छावनी बना दी। अर्थात इसने क्या किया, सैनिकों को एक परमानेंट जगह दे दी। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेजा गया। इसने एक राजधानी बनाई थी तो वहाँ दौलताबाद भेज दिया सैनिकों। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया। इसने क्या किया, टैक्स लगा दिया, दो नदियों के बीच में जो भूमि होती है उस पर टैक्स लगा दिया, और उससे क्या किया कि जो फसल पैदा होगी उस पर टैक्स लगाकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। किसान की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय किया गया था, अर्थात किसान जितनी पैदा करेगा उसका 50% जो हिस्सा है वो राज्य के खजाने के रूप में जमा कराना पड़ेगा। तुगलक की बात करते हैं तो जो मोहम्मद तुगलक था, सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। अर्थात इसने क्या किया है कि टैक्स लगा दिए, लेकिन उसी साल क्या है अकाल ही पड़े जिसकी वजह से इन्हें नुकसान उठाना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिक पर आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और ये आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया।
अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का संरक्षण सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। इस व्यवस्था को अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली कहा जाता है। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, एक बाजार नियंत्रण प्रणाली अपना ली। बाजार नियंत्रण प्रणाली में क्या किया जाता था कि पूरा ध्यान रखा जाता था, जो भी दैनिक जो उपयोग की वस्तुएं हैं, जो सामान है, उनके लिए क्या है कि उनकी रिपोर्ट, इनकी रेट फिक्स कर दी गई, रेट फिक्स कर दी गई कि कोई भी सामान है वो इतने रुपए का मिलेगा, तो उसकी एक रेट फिक्स हो गई। अब जैसे ही बाज़ार में कोई सामान बेच रहा है, अगर वो ज़्यादा रेट उस वस्तु की लेता है और पकड़ा जाता है, तो जो सैनिक, जो गुप्तचर थे, वो उसे उठा कर ले जाएंगे राज दरबार में, और जितनी उसने बेईमानी की है उतना उसका शरीर का मांस काट लिया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि बहुत कठोर दंड व्यवस्था हो गई, तो सब डरने लगे। और जो एक तरीके से जो जमाखोरी थी, जो घूसखोरी थी, जो लालच था, जो अन्याय था, जो बेईमानी थी, वो लोगों में से धीरे धीरे समाप्त होने लगी। वहीं अगर हम मोहम्मद तुगलक की बात करते हैं, तो मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देना था, इसलिए क्या किया, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन या सांकेतिक मुद्रा चलाई। अर्थात उसने क्या किया, सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के, तांबे के बनवाए थे। मुख्य रूप से 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था, वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के भी बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। लोगों ने क्या किया, जाली सिक्के बना ली। अर्थात जो राज्य में तांबे के जो सिक्के चल रहे थे, वैसे के वैसे सिक्के लोगों ने जाली बना लिए और उनका एक तरीके से बाजार में प्रचलन हो गया। तो ये मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था कि पांच योजनाएं चलाई थी, और वो पांचों योजनाएं इसकी क्या है, सफल नहीं हो पाई थी। इसने तो अच्छे काम करने के लिए योजना बनाई थी, लेकिन जो समय था वो इसके विपरीत था, इसलिए इसकी जो योजनाएं थी वो विफल हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने देखिए क्या किया कि अलाउद्दीन ने प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे। इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। तो और अगर हम बात करते हैं तुगलक की, तो मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधित जो कदम उठाए थे उनमें कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज थे। अर्थात राजधानी है उसको दौलताबाद ले गया था। ये करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दबाव में अकाल विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। अर्थात इसने जो सांकेतिक मुद्रा चलाई थी वो भी बंद करनी पड़ी, और जो इसने राजधानी परिवर्तित की थी
वो भी इसको वापस वही करना पड़ा। तो इस तरीके से ये जो मोहम्मद तुगलक है, इसका जो समय था इसके विपरीत था, इसलिए इसकी योजनाएं सफल नहीं हो पाई।